नमस्ते प्रणाम, मैं गायिका उजाला यादव, यूपी आजमगढ़ के धरती से आज आप लोगों के बीच में एक नई बिरहा सुनावे चलत बानी। सावन के महीना में देवघर लोग जल काहे बदे चढ़ावे जाला। बहुत बढ़िया कहानी बा मास्टर साहब, शायद तोके अभी तक पता भी ना होई। दोहा का लाइन बा, तनी आवा तो। भोले जी का भक्त महा रावण मन में किया गुना, लाऊं अड़भंगी को लंका के दरम्यान, बाबू कहानी हमारे इस शुरू हो गई बा। आप लोग कहानी पर गौर करी हैं। लंका का राजा रावण शंकर भगवान का सच्चा भक्त, आय के कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान का भक्ति करे लगल। भक्ति करत करत बाबू शंकर भगवान के रावण प्रकट कललस। जब शंकर भगवान प्रकट भइलन तो कहला, यो मस्त बेटा, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न है, क्या चाहिए बेटा, बोलो क्या चाहिए। रावण हाथ जोड़ के कहला, महाराज हमके रुपया पैसा धन दौलत कुछ होना चाहिए, हम आपका भक्ति ए लिए करत रही है कि आप प्रकट हो गईला, हम आपके लेके अपने लंका नगरी में जाए चाहत बनी। तो सरकार हमके इहे आशीर्वाद दई, आप हमरे साथे चली हमरे लंका नगरी में। शंकर भगवान कहले कि हम अपना कैलाश पर्वत तो नहीं छोड़ सकते हैं। तुरंत शंकर भगवान शिवलिंग का उत्पत्ति कैलन। कहले कि मेरे भक्त हो, सच्चा भक्त हो, मैं एक शिवलिंग दे रहा हूं, उसी को लेकर के अपने लंका नगरी में चले जाइए। अब रावण महाराज लगला हंसे, कहला अरे इस शिवलिंग से कैसे भक्ति हुई। शंकर भगवान कहला, ये शिवलिंग है, इसी में मैं बास करता हूं, आये जो शिवलिंग मैं दे रहा हूं लेकर जाइए रावण, लेकिन एक काम करना, इसको जमीन पर कहीं मत उतारना, और जहां रख देंगे वहां से फिर इस शिवलिंग को नहीं उठा पाएंगे। अब रावण मुस्कियाए के ओ शिवलिंग के लहले हो, अल्ले के मास्टर साहब अपने लंका नगरी के तरफ चलत कैसे हो। अरे जाओ मही जन तो बलम मिल करिया, अरे चढ़त तिलक फेर वही ती कुंवर रही जैती हारी। भाव पर गौर करी है, कहना बका अरलिंग में समाय जाई, अरलिंग में समाय जाई, बोले शिव दनिया अर सिरावा पली हसाय लनिया, चलत राजा धनिया ए राजन। गुरूर रावण सोचा अभिमानी, अलिंग लेके चल हथेलिया तो पानी, हली गईल भैंस बीच कनिया, चल राजा धनिया ए राजन।
शिवलिंग रावण के दहले कि ले जाए शिवलिंग के अपने लंका नगरी में, ये शिवलिंग में हमेशा हम विराजमान रहबे। और शंकर भगवान एगो बात और कह ले रहे, इस शिवलिंग दे थीला एक रास्ते में कहीं उतरिहा जिन ए शिवलिंग के ले जाए कि अपने लंका नगरी में जहां रखल चाहिया वही जे रख दिया। ए लिए अगर ये शिवलिंग के कहीं रास्ते में उतार देवा, जहां भी रख देवा जमीन पे, तो वहां से फिर उठा ना पाईबा। काहे से कि वहां स्थापित हो जाए। शंकर भगवान कहले कि शिवलिंग बा जहां एक जमीन पे रखबा वहीं स्थापित हो जाए, एक उठाए ना पाईबा। अब रावण महाराज शिवलिंग के लेके बाबू चलल हुआ। आ जब चलने कुछ दूरी अपने लंका नगरी के तरफ, तो उनके लहुशंका लगल, मतलब पिशाब लगल। आ जब रास्ते में पिशाब लगल तो रावण याद करत हुआ कि रे हमसे भोलेनाथ जी कहले रहने कि शिवलिंग के कहीं रास्ते में रखिया मत, अगर रख देबा तो वहीं स्थापित हो जाई, तो उठाए ना पाईबा। अब पिशाब लगल बा, आखिर शिवलिंग जब ले रखिया ना, वो पिशाब करी है कैसे? रावण महाराज एकदम घन चक्कर में पड़े गए, दिमाग काम ना करत बा मास्टर साहब। यार पिशाब का प्रेशर जवन हो बढ़त बा। अब रावण करे का, धीरे धीरे मास्टर साहब समय बीतल बा, यही जब तर्ज बदल गई हो। अरे चला तो मोरा पौआ पिरैल है भैया, गोकुल हो मैहर के तनी बदूर भैया। भाव पर आप लोग गौर करी हैं, कहना बका के रावण नायन से चहुर देखला गैया चरावत एक नावला किशोर देखला। आफत में फसल बानी आवाए सुगा नावा, लघु शंका से व्याकुल बानी सुनिला बयानावा। अरे सागरो बयानावा कहल कर जोर देखल गैया चरावत लेता नावला किशोर देखल। अब पिशाब से परेशान हुआ, सोचल कि अगर शिवलिंग के उतार के जमीन पे रख दे तो शिवलिंग स्थापित हो जाए, हम लंका नगरी ले जा ना पाई। पिशाब से भी ज्यादा परेशान हुआ, देखले वही एक चरवाहा गैया भैंसिया के चरावत रहल। रावण वही चरवाहा के बोलल बाबू इधर आवा। अब चरवाहा काहे बदे आई, रावण महाराज खुद चल के वो चरवाहा के पास पहुंचल। अजाय के वो चरवाहा से रावण कहत कहुआ मास्टर साहब टेरी का लाइन बा। अरे मुरतिया सर पर ले लाई घरी लागल लौ शंका से बिगड़ल चाहे धोतिया, अरे हो धोतिया, अरे हो धोतिया। रावण महाराज चल के गईले ओ चरवाहा के पास, जाए के उस शिवलिंग उतार के वही चरवाहा के देत हुआ कहना बेटा इस शिवलिंग बा एक जमीन पर मत रखिया, हम पिशाब कह के वथिला तब तक ये अपने सर पे थमले रहा। वही चरवाहा के कपारे पे शिवलिंग के रख के और रावण महाराज गए हुआ पिशाब करे बदे।
अजय पिशाब करे बदे गईले रावण महाराज तब का होता मास्टर साहब कई के गौरवा चरवाहा अरे कई के गौरवा चरवाहा तब थाम लिया शिवलिंग प्रखर घमंड को चूर किए शिव जी तब हुई करिश्मा सुनो सुघर चकित पेशाब की धार टूटे ना अरे चकित पेशाब की धार टूटे ना रावण सोचले मन में वो हर शिव की चाल समझना पाए करता पेशाब काफी निर्झर ए बाबू शिवलिंग के रावण महाराज वही चरवाहा के सर पे रखले कहले बाबू ये के जमीन पर मत रखिया जबले हम पेशाब कहके ना आई तबले थमले रहा चरवाहा शिवलिंग ले गई से अपन बेचारा खड़ा बा रावण गल हुआ पेशाब करे बदे अब पेशाब का धार टूटती ना बा देखा भोलेनाथ का करिश्मा जे मालिक है बा ओकरे आगे के उको चली कैसे हमें तो शंखा लगा थे कहे रावण के शुगर बढ़ गई लाल गल होता तू दवाई करा दले होता पागल कहीं का अब रावण के पेशाब का धार ना टूटत बा कहीं ना कहीं शंकर भगवान का करिश्मा बा ये लिए शंकर भगवान का करिश्मा बा कि रावण के जब उस शिवलिंग देहले शंकर भगवान तो रावण के अंदर एक घमंड आ गया काहे से शंकर भगवान कहले रहे के रास्ते में कहीं मत रखिया जहां भी रख देबा वो स्थापित हो जाई उठैबा तो उस शिवलिंग फिर दोबारा उठा ना पैबा रावण के घमंड हो गल रहल कलाई शिवलिंग कितना वजन रही एक बार पकड़ब लेहले चल जाब तो ले जाए कि अपने लंका नगरीय में रखब ई रहल रावण का घमंड अब देखा बारे शंकर भगवान का करिश्मा जब वो चरवाहा के रावण महाराज शिवलिंग थमौले वहां कपारे पे बेचारा लेके चरवाहा अगोरत हो परेशान बा और धीरे धीरे वो शिवलिंग का ओजन बढ़े लगल यहाँ रावण महाराज के पिशाब का धार टूटती न बा रावण महाराज सोचत हुआ कि पिसविया कई के चली शिवलिंगवा थाम लई उ चरवाहा भी चिल्ला था कि अरे आप हमके शिवलिंग थमाए के कब से पिशाब करत हुआ ये शिवलिंग का वजन बढ़त बा हमसे सहात ना बा हम बहुत परेशान बनी है अपन शिवलिंग पकड़ा और नहीं तब हम जमीन पर रख देवे रावण महाराज भी परेशान हुआ कि बाप रे बप्पा आज ही हमें होय का गयल कि पिशाब का धार टूटती ना बा तब ने मास्टर साहब होत का बा तर्ज बदल गई हो जमनिया से गड़िया छूटल हो राजा कहला बतिया बैज ग्वाला आए बाबा अरे लागे की धरती में धस जाई तनवा आ जल्दी पेशाब कई के थामा जनावा कहला बतिया बैज ग्वाला आए बाबा शिवलिंग एकदम परेशान हो गए
लगत बा कि अब धरती में धस जाई। बारे शंकर भगवान, शंकर भगवान का करिश्मा देखा, वो शिवलिंगवा वजन हो चल जात बा, चरवाहा परेशान बा, गुस्साए गए। गुस्साए के रावण महाराज से कलश किए, बाबा अरे पिशाब करत हुआ कि तू नदी बहावत हुआ, जल्दी आवा नहीं तो शिवलिंग का भार हमसे सहात ना बा, अब उठाई के हम धरती पे पटक देवे। इत शंकर भगवान का करिश्मा रहा। अब रावण महाराज करें का पिशाब का धार टूटती ना बा, अब वो कैसे आवे शिवलिंग थाम है वो दे। रावण महाराज एकदम परेशान हुआ। तब तक वो चरवाहा जवन सर पे अपन शिवलिंग रख ले बा, वो करत का बा मास्टर साहब, अरे टूटल धार ना भयल हैरान घमंडी पिंडी पत्थरे का, पट के बैजू धरती पर उजंडी पिंडी पत्थरे का, स्थापित हो गया शिवलिंग वही जंगल दरिया मनवा हो, यहावर पेशाब का धार बंद तब रावण सोचे मनवा हो, अरे लगल उठाव सर ऊपर पाखंडी पिंडी पत्थरे के, पट के बैजू धरती पर उजंडी पिंडी पत्थरे के। ए बाबू चरवाहा वही कपारे पे ले के शिवलिंग परेशान बा, रावण से कलश की अपनाए बाना तो ये हमसे भार शिवलिंग का थाम ना जात बा। अब एक दुई तीन चार बोल के उ लड़का उठाए के शिवलिंग कलश से, चरवाहा शिवलिंग उठाए कोई धरती पे पटक दलस। आ जब धरती पे शिवलिंग चरवाहा पटकत बा, रावण का पिशाब बंद। ई देखा शंकर भगवान का करिश्मा कि जैसे ही वो चरवाहा शिवलिंग के जमीन पर पटकत बा, यार रावण महाराज का पिशाब बंद हो जाती है। रावण महाराज समझ ना पौले, दौड़ल भागल जात हुए ओ शिवलिंग के पास, तबले तो लड़का धरती पे पटकी धले बा। अब उठावल चाहत हुआ रावण महाराज ओ शिवलिंग के पकड़ के उठावत हुआ, लेकिन उठते ना बा, तनको हिलता ना बा। रावण के गुस्सा आ गई, आ गुस्सा आ गई लोई बैजू चरवाहा का लई के लाठी, चार छह लाठी मरलन। आ जब चार छह लाठी ओ शिवलिंग के मरलन, तब ओ चरवाहा रावण से सवाल करल, कल सरे बाबा काहे मारत हुआ, काहे बचवा तो के पता ना बा, लात के देवता बात से कबो ना मानी। मार के पांच छह लाठी चल दल। अब रावण महाराज अपने लंका नगरी पहुंचल, वहर का बात छोड़ा तनी हो ही देखा, चरवाहा विचार करे लगल। और चरवाहा विचार का करत बा मास्टर साहब, अरे क्रोधवा में ज्ञानी कबो अंधा हो जाला बाबू, जाला या साली जा
पार। हैं बाबू, रावण महाराज 5-6 लाठी मार के उस शिवलिंग पे चली गल अपने लंका नगरी। अभी जो चरवाहा रहल आप लोगों से बता दी, वो चरवाहा का नाम रहल बैजू अहिर, जो अपने सर पे शिवलिंग रखले रहल। अब भारनाथ थाम पौलस तो उठाए के जमीन पर पटक दलस। बैजू अहिर सोचे लगल कि बड़ा ही पिटौर देवता बा, यह देवता का पूजा सिर्फ मरले से होत बा। तो बैजू अहिर रोज ओई शिवलिंग का पूजा करे लगल। अजानत हुआ कैसे? धार तपावन धूप अगरबत्ती सना रोज नियम बना ले रहना कि जौने लाठी से रावण महाराज मरले रहल ओई शिवलिंग के, उ बैजू का लाठी रहल। तो बैजू अहिर जब भैंस चरा ले, गैया भैंसिया के जब लेके घरे जाए लगे, तो उनका रोज का नियम रहल 5 लाठी वही शिवलिंग के पहले मार ले तब घरे जाए। मतलब डेली का पूजा यह रहे, कभी वो अतरा करे ना। बैजू अहिर डेली बाबू 5 लाठी वही शिवलिंग के मरबे करे। एक दिन का बात बा, भुलाए गए बैजू अहिर, चली गई ना घरे बिना मरले वो शिवलिंग पे। शाम का टाइम रहल, रात का बेला रहल, अब भोजन करे बैठल हुआ बैजू अहिर, भोजन करे बैठल हुआ भुलाए गल हुआ वो 5 लाठी वही दिन शिवलिंग पे ना मरले रहल। अब उनकी याद आयल कि अरे हम तो खाना खाए जाते ला, आज वो पत्थरे का पूजा करबे ना कैली, आज मरले ना हिला, खाना छोड़ दला। कल माई रुका बहन खाना मत दया, हम जा थैला पूजा करके आई तब खाई। बैजू अहिर का माई सोचा थी अरे पागला गल का, कहाँ ही जंगलवा में पूजा करे जात बा, कौन देवी देवता हम। बैजू कला ना माई, तू ना जाना थी वो यही पाथर बा, और बड़ा पिटौर देवता बा, वो देवता का पूजा सिर्फ मरले से होले। माई जा थैला 5 लाठी मार के आई तब खाना खाई। बैजू अहिर गईले बाबू ले के लाठी, वही दिन 5 लाठी ना 10 लाठी मरले। जब खींच के 10 लाठी वही शिवलिंग पर मरले, तब शंकर भगवान प्रकट भइले। शंकर भगवान प्रकट हो के कहले, ओ असली भक्त तो तुम हो, रावण तो स्वार्थी था जो मुझे लेकर लंका में जा रहा था। बच्चा डेली पूजा करते हो, हम तुम्हारे भक्ति पर खुश हैं, जो मांगना हम मांग लो बच्चा। बैजू अहिर कहना कि का तू देबा हमके, जब 5 लाठी तू रोज खात हुआ, बड़ा पिटौर देवता तू हुआ, तो से हमके कुछ ना चाहिए। शंकर भगवान कहला रे बचवा होश में आ जा, पहचान ला पहचान ला, हम भोले नाथ हैं अड़भंगी। जब कहले हम भोले नाथ अड़भंगी, शंकर भगवान बैजू अहिर का अखियाँ खुल गई, शरीर लगल कांपे, हाथ जोड़ के शंकर भगवान के पैर पे गिर गई। कहला प्रभु जी क्षमा कर दा, हम जानत ना रही प्रभु जी कि ये पत्थरे में आप बास करेला, हम जनली कि पाथर बा, बस मरले से इनकर पूजा होले, रावण हमरे सामने 5-6 लाठी मरले रलन, हम पूछली कि काहे मारत हुआ बाबा, तो कहला लात का देवता बात से कबो ना मानी। ओई रावण का बात सुन के प्रभु जी हम डेली आई के 5 लाठी मारत रली है, क्षमा कर दे प्रभु, अगर कुछ देवे के बा तो हमके धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए प्रभु जी, बस अपने नाम के आगे हमार नाम लगा दा।
अब शंकर भगवान बैजू अहिर के बात सुन के, चूंकि वरदान देवे खातिर कहत हुवन शंकर भगवान, तो शंकर भगवान के वरदान देवे के बाद और जवन कुछ भी बैजू अहिर मंगी है तवन शंकर भगवान के देवे के बाद। बैजू अहिर कहले कि प्रभु जी हमके धन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए, आप अपने नाम में हमार नाम जोड़ दिहल जा, हमेशा हमेशा के लिए हमार नाम अमर हो जाई, बस इहे चाहिए प्रभु जी। इतनी बात जब शंकर भगवान भोलेनाथ जी सुनलन मास्टर साहब तक कैलन का बिरहा के आखिरी लाइन बा, अरे बैजू अहिर से भैला बाजना थकनिया जेकर देव घर में ठेकनवा बुझाइले दुनिया, नारा लगावे सावन में भक्त जाके जलावा चढ़ावे, भक्ति से प्रसन्न है, जो मांगना है मांग लो। बैजू यही भोलेनाथ से कहले कि प्रभु जी हमके रुपया पैसा धन दौलत ना चाहिए, सिर्फ अपने नाम में हमार नाम जोड़ दिहल जा, जोने से आपके नाम के साथ साथ हमरे भी नाम का पूजा हो। भोलेनाथ तुरंत अपने नाम में बैजू अहिर का नाम जोड़त हो, आगे बैज पीछे नाथ, जैसे भोलेनाथ वही तरीके से बैजनाथ। बैजनाथ के नाम से आप लोग जानीला, वही स्थान का नाम पड़ल बैजनाथ धाम, जहाँ उस शिवलिंग के रावण लेके जौने शिवलिंग के जात रहलन, बैजू अहिर के सर पे डाले रहलन, जौन बैजू अहिर उस शिवलिंग के धरती पे धैले रहलन, वो झारखंड में पड़ेला, जहाँ बैजनाथ धाम के नाम से आज भी लोग सावन के महीना में जल चढ़ावे बदे जाला। केहू भी अगर अपने दिल में कोनो मनौती लेके जाला तो बैजू बाबा ओकर मनौती पूरा करेले। तो सच्चाई तो यही बा कि आज भी लोग कहला कि कांवर लेके सुइया पहाड़ चढ़ते हुए बैजू बाबा धाम के दरबार में लोग जाला जल चढ़ावे बजे, जल चढ़ावे बदे सबकर मनोकामना बैजू बाबा पूरा करेले। यही से सावन में मास्टर साहब जल चढ़ावे लोग बैजनाथ धाम जाला, जवन भोलेनाथ के साथ साथ बैजू अहिर का भी पूजा होत बा। ई हमार बिरहा रहल, बिरहा का आखिरी लाइन बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुड़कारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी, अरे मुरती असर पर ले लाई घरी उजाला कवि मुसाफिर पावन बापिर तिया, मुरती असर पर ले लाई घरी की हा रहा।